तो बेटा मोसले फार्मूले पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं, यहां पर देखिएगा। इफ के अल्फा रेडिएशन ऑफ मॉलिब्डेनम हुज एटॉमिक नंबर इज 42 हैज अ वेवलेंथ ऑफ 0.71 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द करेस्पॉन्डिंग रेडिएशन ऑफ द कॉपर एटॉमिक नंबर इज 29। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर ये एटॉमिक नंबर दे रखा है पहले एलिमेंट के लिए तो आप इसे Z1 मान लें, दूसरे एलिमेंट के लिए जो निकालना है वो Z2 मान लीजिएगा। वेवलेंथ फर्स्ट का दे रखा है दैट इज लैम्डा 1 इज 0.71 एंगस्ट्रॉम एंड दे वांट द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड रेडिएशन। अब इन्होंने बोला करेस्पॉन्डिंग रेडिएशन, करेस्पॉन्डिंग रेडिएशन का मतलब होता है सेम हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, यानी जो मॉलिब्डेनम के लिए हायर एनर्जी लेवल N2 है वही कॉपर के लिए है, और जो इसके लिए लोअर एनर्जी लेवल N1 है वही इसके लिए है, यानी N1 N2 सेम है। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे अप्लाई करें 1 upon lambda equal to r z minus b square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। फॉर्मूला आ गया। मैंने बताया दोनों केसेस के लिए ये दोनों वैल्यू सेम है, r तो कांस्टेंट होता ही है, z ही दे रखा है, और b क्या होता है के अल्फा लाइन है, के लाइन के लिए या के सीरीज के लिए हमें पता है b की वैल्यू 1 होती है। यहां पर लिख देना b इक्वल टू 1 फॉर के सीरीज, सारी के लाइन ऑफ द के सीरीज 1 होता है, देयरफॉर आप इसको 1 अपॉन लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस 1 स्क्वायर कर लीजिए। क्यों बेटा, r कांस्टेंट है और n1 n2 भी कांस्टेंट है, तो क्योंकि करेस्पॉन्डिंग रेडिएशन बोला है, यानी रेडिएशन एमिटेड फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड सेम है, तो इसे हटा लो। अब आप इक्वेशन बना लो, therefore lambda 2 upon lambda 1 equal to z1 minus 1 upon z2 minus 1 का whole square। देखिए lambda और z minus 1 में इनवर्स का रिलेशन है, तो अगर ऊपर lambda 2 आया तो z में z1 आएगा। lambda 2 फाइंड आउट करना है, lambda 1.71 दिया है, z1 is 42 minus 1 square, z2 is 20 minus 1 square, तो lambda 2 equal to 0.71 और 42 minus 1 is 41, 29 minus 1 is 28 square हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करिए बेटा और कैलकुलेटर में डाल के एक बार देख लीजिए, निश्चित रूप से 0.71 से ज्यादा आएगा, इसकी वैल्यू 1.52 एंगस्ट्रॉम आ रही है, आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। ठीक बेटा, ये तो इसका आंसर 1.52 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो इन व्हाट वे वी हैव टू यूज दिस फार्मूला वो यहां पर मैंने आपको बताया, दे सिंपल फार्मूला भी इस क्वेश्चन आएगा, बस आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसे नोट कर लें, समझ लें अच्छे से। सो बेटा मोस्टली लॉ का एक दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल यहां पर है, ध्यान से पढ़िए। द एक्सरे वेवलेंथ ऑफ एल अल्फा लाइन ऑफ द प्लैटिनम एटॉमिक नंबर इज 78 इज 1.30 एंगस्ट्रॉम एट द एक्सरे वेवलेंथ ऑफ द एल अल्फा लाइन ऑफ द मॉलिब्डेनम हुज एटॉमिक नंबर इज 42 इज। ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से हमें इसका सही ऑप्शन बताना है। तो अगर गौर से देखें ये एल अल्फा लाइन की बात कर रहे हैं, एल अल्फा लाइन का, तो एल अल्फा लाइन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों के केस में एलिमेंट n इक्वल टू 3 से 2 में आ रहा होगा, यानी m से n में आ रहा होगा। मेरा कहने का मतलब है n1 n2 जो होता है वो कांस्टेंट हो गया। सॉल्यूशन में आइएगा, देखिएगा z1 इज 78, z2 इज 42, लैम्डा 1 इज 1.30 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा 2 फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपको पता है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर इंटू जेड माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। क्योंकि एल अल्फा के लिए इसका मतलब है दोनों में ये ट्रांजिशन तो सेम होगा, तो ये हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, यानी सेम हो गया दोनों में, आर कांस्टेंट होता ही है, तो 1 अपॉन लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी स्क्वायर। लेकिन आपको याद है एल सीरीज के लिए और देयरफॉर एल अल्फा लाइन के लिए जो बी इक्वल टू होता है वो 7.4 होता है, तो एल सीरीज के लिए बी इज 7.4 यहां लिखिए। तो फार्मूला बना 1 अपॉन लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस
7.4 स्क्वायर। अब आप इसका एक इक्वेशन बना दीजिए, देयरफॉर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल टू जेड 1 माइनस 7.4 अपॉन जेड 2 माइनस 7.4 का होल स्क्वायर। लैम्डा 2 पता करना है, लैम्डा 1 1.30, जेड 1 कितना है बेटे 78, जेड 1 इज 78 माइनस 7.4, जेड 2 इज 42 माइनस 7.4 और इसका होल स्क्वायर। सो लैम्डा 2 इक्वल टू 1.30, 78 में 7.4 अगर माइनस करें तो 78 में से 7 मानते तो 71 आता, तो ये आ जाएगा 70.6 अपॉन 42 में से 7 घटाते तो 35 आते, तो 34 34.6 स्क्वायर। कैलकुलेशन बेटा एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा ये, क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, आप मैच कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अगर आपने चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि जो नए वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसका आंसर 5.41 एंगस्ट्रॉम आएगा, जिसे ऑप्शन में एक बार चेक करिए तो पहला ही आंसर सही है, तो आंसर 1 इज करेक्ट, आंसर इज 1 पहला आंसर आ जाएगा। तो हमें केवल ये फार्मूला अप्लाई करना है, बी की वैल्यू ध्यान रखना है कि के सीरीज के लिए 1 था, एल सीरीज के लिए 7.4 और एम सीरीज हो तो 19.2 होता है। तो बेटा इस लेक्चर में हमने मोस्टले लॉ बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ मोस्टले लॉ बताया, और मोस्टले ने कैसे वो एक फार्मूला डेराइव किया जो बोहर्स के फार्मूले से काफी कुछ मैच करता था, और उसमें जेड माइनस बी को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोला जाता है, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।